सुंदर में तीन नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। 40 साला फरियाद को बाजू और टांग पर गोली लगी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, थाना सुंदर की हदूद में तीन नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो एक 40 साला फरियाद जो है नामी जो है शहरी उसको शदीद जख्मी हो गया। जो जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फरियाद को बाजू और उसकी जो टांग है उस पर उसको गोली लगी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि फरियाद को रेस्क्यू की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन मुलजमान जो है वो अभी भी जो है वो फरार है। इसके हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनको ये कहना था कि मुलजमान को जल्द ही हिरासत में होंगे, और फरियाद ने मुलजमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि फरियाद की हालत जो है वो काफी तशवीशनाक है, उसकी बाजू और उसकी टांग पे जो है वो गोली लगी है। और इस फरियाद में आपको बताते चलूं कि फरियाद जो है वो थाना किला गुजर सिंह हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे जनरल ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल भी है। सुंदर में तीन नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शुक्रिया शाहजेब शहजाद।